तुम सब उस डंडे और वो अकेला और फिर भी मार खाकर आ गए। चुप रहो, मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं कमीनो। प्रताप, मैं तुम्हारे एक और कमीने को तुम्हारे हवाले करने आया हूं, तो संभालो इसे। कौन है ये घनचक्कर? वाह प्रताप वाह, ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुम अपने हुए भेजे हुए जासूस को नहीं पहचान पा रहे? बकोमत, चिकोमत, मैं तुमसे भी ऊंची आवाज में बोल सकता हूं, और तुम्हारी इसी चलन ने मुझे एक बार नहीं 10 बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये गलत है। ये गलत नहीं, ये हकीकत है। और हां प्रताप, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए अपना शिकार खुद बनना सीखो। और हां, आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस कर रखूंगा, समझे? रंजीत, मेरे इलाके में मुझे धमकी? तुम शायद भूल रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे प्रताप साहब से बात कर रहा हूँ। क्या कहा? और इतने बहादुर आदमी को याद रखने के लिए मैं जंजीर ले जा रहा हूँ। प्रताप, ये बंदूक है और इसे चलाने के लिए जिगर चाहिए। अपने कुत्तों से कह दो खिलौनों से खेलना बंद करें, समझे? चलता हूं प्रताप, गुड बाय। कत्तार, कमीने, सब कुछ बता दिया तूने? नहीं, माफ कर दो मुझे बॉस, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाग, अरे कमीनो, पकड़ो उसे, भागो, पकड़ो।